Good morning and greetings in the name of the Lord Jesus Christ on this wonderful new day. And uh, welcome back after some busy days of uh, uh, celebrating Christmas and uh, other programs. इन कनेक्शन विद क्रिसमस और आप सबका स्वागत है काफी व्यस्त हफ्ते और दिनों के पश्चात जब वो क्रिसमस का समारोह और और सारी कई दूसरी एक साथ हो रही थी आ, हम सब व्यस्त थे और उस व्यस्तता के पश्चात अब आप सबका स्वागत है real Christmas is. अब मुझे ये पूरा विश्वास और आशा है कि आप सब ने एक अच्छे समय को बिताया दूसरों को खास रीति से ये समझाते और दिखाते हुए कि सच में क्रिसमस क्या क्या मतलब है एंड आवर टूडेज मेडिटेशन इज टेकन फ्रॉम Luke chapter 1 verses 36 and 37. और सैतीसवा और, और, so, और आइए हम इस वचन को पढ़े और देख तेरी कुटुंबनी अली शिबा भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है यह उसका जो बाज कहलाती थी छठवा महीना है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता दिस इज द द कंसर्निंग बर्थ ऑफ जॉन और ये यहाँ पर इस वचन के इस भाग में हम एक घोषणा को देखते हैं जो कि है बपतिस्मा देने वाले के जन्म के विषय में ही हैज बिन सेंड बाई गॉड एज अ फॉर रनर टू जीसस क्राइस्ट और उसे परमेश्वर के द्वारा भेजा गया कि वो प्रभु यीशु मसीह से पहले आकर उसके आने के मार्ग को तैयार करे ही उद्देश्य के लिए उसे भेजा इंट्रोड्यूस जीसस क्राइस्ट टू दर्ल्ड कि वो यीशु मसीह को संसार के सामने प्रस्तुत करे द्रू मसाया फ्रॉम जहोवाड जो कि सच्चा मसीहा होगा उस यहोवा परमेश्वर से एंड इज देशन ऑफ एंजल ग एलिजबेथ द वाइफ ऑफराया दाइफ द प्रीस और यहाँ पर वचन के भाग में हम देखते हैं किस प्रकार से

um, uh, Zechariah, the priest, the father of uh, John the Baptist. और इसलिए ये एक घोषणा थी उस जबरियल स्वर्ग दूत की जखराया वो महायाजक को जो कि इलिशिबा का पति और यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता कहलाएगा। And now let us look into another announcement concerning the coming of the Lord Jesus Christ. और आइए एक और घोषणा को हम देखें जो कि बात करती है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में. The angel Gabriel appeared to a very poor and simple young woman. और जब्राइल सरगुदूद एक बहुत साधारण और गरीब स्त्री बे लड़की के भी समुक प्रस्तुत हुआ. And name was Mary. और उसका नाम मरियम था. And uh, gave her a message from heaven. And uh, the message was an unusual one. It was un and, 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 uh, it is unusual because it was a message which was impossible to believe. And equally impossible. Uh, और साथ ही साथ असंभव मनुष्य अपने ज्ञान और बुद्धि से समझने में एंड दिस मैसेज फ्रॉम गैब्रुएल एंजल गैब्रुएल से फोर्थ अ और जबरियल स्वर्गदूत के द्वारा इस संदेश में इस प्रकार वो कहता है कि वो एक बेटे को जन्म देगी uh, okay. point, okay. और यहाँ तक तो ये ठीक है लेकिन जो अगली बात वो स्वर्गदूत कहता है वो उसे असंभव रीति वो एक ऐसी बात है दिखती है मानो असंभव हो एंड कंसीव एंड ब्रिंक फॉर दिथ साउट एनी यूनियन विजम है और उसकी घोषणा दूध की यह थी कि मरियम तू गर्भवती होगी बिना किसी मनुष्य के इसमें शामिल हुए और ये एक ऐसी घटना है जो कभी नहीं हुई प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल so और ये देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से असंभव था

सन ऑफ द मोस्ट हाई और जो जिसका जन्म होगा उस पुत्र को परमेश्वर का पुत्र या परम प्रधान का पुत्र वो कहलाएगा Now, for a, a simple, poor, illiterate young woman it was too heavy और एक साधारण सी अशिक्षित जवान लड़की के लिए ये सारी बातें तो बहुत गहरी और भारी थी

उटमन uh, एजेंट uh, uh, और क्योंकि संदेश बड़ा स्पष्ट और सीधा था कि बिना किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए वो इस बेटे को जन्म देगी इट से <laughs> उटनियन और ऐसा उसने घोषणा किया की कि वो गर्भवती होगी बिना किसी पुरुष के संग संबंध बनाए so, uh, और ये ऐसे कारण थे जो इस बात को होना खास से असंभव बनाते थे and it was never heard before. और ये इस बारे में कभी भी पहले कभी सुना and ही नहीं not going to happen since और उसके बाद से भी कभी ऐसा आगे हुआ ही नहीं एक साधारण सा How can these things be? और ये सब कैसे संभव होगा प्राकृतिक सवाल है how can I conceive without a union with the man? और कैसे मैं गर्भवती होंगी बिना किसी पुरुष के संग संबंध बनाए एंड आई है

उस महिला ऐसी कोई भी महिला इतिहास में हुई नहीं जिसके संग ऐसा कभी हुआ हो एंड टू दिस ऑफ और स्वर्गदूत के इस घोषणा ने मेरी वॉज एनकरेज टू बिलीव दट नथिंग इज इम्पॉसिबल विद और जब स्वर्गदूत ने ये उत्तर मरियम को दिया कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं इस बात ने उसे प्रेरित किया नथिंग कुछ with भी था नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल और परमेश्वर के संग कुछ भी असंभव नहीं एंड टू टू इम्पॉसिबल फैक्ट्स इट वुड बी फॉर हर बिलीव और दो असंभव बातों के संग उसके लिए आसान था विश्वास करना एंड द फर्स्ट द मस्ट मैसेज और जो पहला संदेश था द न्यूज ऑफ हर इन एलिजाबेथ शी कंसीव्ड अ सन In her old age. और पहला संदेश ने ये दिया कि उतनी बुढ़ापे बुढ़ापे में 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 उसकी बहन जो जो थी उसने अपने बुढ़ापे में एक बेटे को जन्म देगी जो उसकी अभी गर्भ है And at that point, she was age. और क्योंकि एलिशिबा तो बच्चा जनने की जो उम्र थी उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी दो भले ही एलिशिबा ने प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से उस बच्चे को गर्भ में धारण किया मिरेकल वाज दैट इट हैपेंड टू हर आफ्टर शी क्रॉस द एज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग लेकिन चमत्कार जो इलिशिबा के संग हुआ वो ये था कि उसने इस गर्भ को तब धारण किया जब वो बच्चा जनने की उम्र से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी एंड शी आल्सो वाज बैरर और वो साथ ही साथ

चाइल्ड और वो तब उसने गर्भ धारण किया जब वो बच्चा जनने की उम्र से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी इवन इन एंगर एज और यहाँ तक कि अपनी जवानी में भी इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर टू कंसीव उसके लिए यह संभव था कि वो कभी भी बच्चे को गर्भ में पाए कर क्योंकि वो बांझ थी फैक्ट that गॉड could टेक हर सिस्टर इन हर ओल्ड एज

Is anything too hard for the Lord? और एक बार परमेश्वर ने इब्राहिम से पूछा क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी करना कठिन है and the answer, of course, even today is, no, और आज nothing, के दिन तक भी उत्तर यही है nothing, कि कुछ भी नहीं नथिंग इज इम्पोसिबल की कुछ भी परमेश्वर के लिए संभव नहीं again and again and again और इस बात को हम परमेश्वर के महान दासों के जीवनों में बार-बार साबित होता हुआ देखते हैं अब गॉड इज एबल हमारा परमेश्वर योग्य है अ विजिट टू एलिजाबेथ वुड एनकरेज मैरी टू बिलीव इन दिस गॉड हु सेंड द एंजल गैब्रियल टू हर विद द मैसेज और मरियम का अपनी बहन इलिशिबा से जाकर मिलना उसे प्रोत्साहित करेगा इस संदेश पर विश्वास करने के लिए जबराइल स्वर्गदूत उसके पास लेकर के आए मैसेज फॉर अस हियर और यहाँ पर हमारे लिए भी एक संदेश है पॉसिबिलिटी लाइन जैसे आप अपने जीवनों में कुछ समस्याओं से होकर निकल रहे नो पॉसिबल no और अब आप एक निष्कर्ष पर निकल आए हैं की अब ये संभव है ही नहीं परिस्थिति है लेट इट Who just experienced a miracle. और आइए हम ऐसे एक से मुलाकात करें जिसने अभी परमेश्वर के एक चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव किया एंड श्योर देर आर देर आर डेउंड Miracles from the Lord. मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि सैकड़ों के संख्याओं में ऐसे लोग हमारे इर्द चमत्कारों का अनुभव किया है और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप जाकर किसी एक से मिले जिसने अभी हाल ही में एक चमत्कार या चिन्ह का अनुभव किया And be और उससे प्रोत्साहित हो जाएं।

क्रिसमस एंड न्यू ईयर सीजन और इस क्रिसमस और नए साल के इस ऋतु में मेंस्ट्रेट इन अ प्रैक्टिकल वे दैट आवर सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन इज नॉट लाइक द वर्ल्ड आइए हम इस प्रकार से लोगों को दिखाएं कि हमारा उत्साह मनाना सांसारिक रूप से नहीं है You know, with all its decorations and cake and Christmas trees and the uh, and uh, Christmas father and all that, which you have nothing to do with Christmas. Jesseki Hambo Christmas tree yet would Sajana Sajavate Light Tare Sitare our Christmas Santa. Yes are it cheese okay, we Christmas my Christmas So let's us, let's experience a miracle. डूरिंग दिस सीशन और होने दे इस ऋतु में हम परमेश्वर के उस चमत्कार का अनुभव करने बी दैट यू कैन पास ऑन टू अदर्स ड्यूरिंग दिस न्यूर और ये वो संदेश होंगे जिस बात को हम इस नए साल में लोगों तक पहुँचा सके द इम्पोसिबिलिटीज आर मेड पॉसिबल हमारी परिस्थितियों में we too can experience a miracle though the possibilities are all gone. हम भी उसके उस चिन्ह और चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं भले ही वो सीमा रेखा प्राप्त हो चुकी हो, हो, चाहे वो क्यों ना हो? Problems, दो कोई दूसरी समस्या क्यों पहाड़ियाँ या, या तूफान जिसका अनुभव आप करते हैं हमारा परमेश्वर योग्य है सो लॉर्ड गॉड वी नीड होली स्पिरिट हिज असिस्टेंस इन आवर दैट वी मे बी एबल टू बिलीव इम्पॉसिबल और इसलिए हे परमेश्वर हमें तेरे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है उसके मार्गदर्शन और सहायता की हम असंभव बातों को संभव होने के लिए अपने जीवन में महसूस करेंगूटेशन और वे जो इस मनन को सुन रहे हैं लेट अराइज बाई एक्स टेस्ट मनी ऑफ द पास्ट और इवन समन हुआ तब होने दे उनका विश्वास बढ़ने पाए भविष्य में या पहले घटी हुई किसी चिन्ह की वजह से या वर्तमान में किसी की गवाही की वजह uh, से God of और होने दे हम उस स्वर्ग के परमेश्वर जो कि चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है उसके गवाहिटेशन ऑफ दिस

These these और इन दिनों में किसी भी एक सभा से आप उसमें भाग लेना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको एक, एक महान दिन है डे। एक अद्भुत दिन आपका भी थे आमेन